शाम 6 बजे बड़ी खबर में पर्यावरण दिवस आज है। दुनिया भर में आज अपने पर्यावरण को बचाने पर चर्चाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन हो रहे हैं। हमारे अखबार भी आंखों से भरे पड़े हैं। हमारी हवा, पानी, जमीन सब प्रदूषित होते जा रहे हैं, उसको सहेजने की भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन हर तरफ से आवाज ये है कि लागू करने वालों में इच्छा शक्ति की कमी है। गर्मी के इस मौसम में भले ही आज मानसून ने केरल में दस्तक दे दी, दिल्ली में भी कुछ देर पहले जमकर बारिश हुई है, लेकिन देश के बड़े भाग में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। हमारे जल स्रोत सिमटते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, इनमें गंदगी इतनी बढ़ गई है कि जीवन दायिनी नदी मौत का कारण बन रही है। गंगा यमुना गंदगी से भरती जा रहे हैं। मुंबई की मिठी, इंदौर की शिप्रा, बंगाल की गंगा सागर, हैदराबाद का उस्माना और हिमायत सागर बांध, केरल की दक्षिण गंगा या पंपा नदी का है, सब सिमटते जा रहे हैं। शहरों के नालों का मल, औद्योगिक जो कचरा है, सीधे इन्हीं में जा मिलता है। आस्था के नाम पर इनमें फूल चढ़ाए जाते हैं, पूजा सामग्री बहाई जाती है, साबुन, तेल, जानवर सब धोए जाते हैं। आस्था जब इतनी है तो इनको बचाने के लिए शिद्दत और लगन से कदम क्यों नहीं उठाए जाते? तो सवाल ये है, नदियों को सहेजने में हमारी आस्था क्यों नहीं है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। यहाँ को पानी देने वाली यमुना की हालत पर नजर डालते हैं, जो दिल्ली में नदी की तरह आती है और नाले की तरह बची रह जाती है। इस यमुना को जैसे हम निचोड़ सा लेते हैं। जो नदी जीवन देती है, वो बीमारियां क्यों बांटने लगी? क्योंकि वो नदी नहीं रह गई है, नाले में बदल गई है। वजीराबाद बराज से ओखला बराज के बीच इसमें 22 नाले गिरते हैं। इसमें सीवेज की गंदगी, हैवी मेटल, कीटनाशक और तरह तरह के जहरीले केमिकल गिरते हैं। नदी में ऑक्सीजन नहीं रह गया है, अब इसमें पानी नहीं तेजाब बहता है। लेकिन इस बार हम यमुना के लिए सोचेंगे, और जिस तरह से शुरुआत में मैंने देश भर की सभी नदियों के नाम लिए हैं, तमाम बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, वो नदियां जो जीवन दायिनी रही हैं, क्यों वो सिमटती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं? खास पैनल हमारे साथ आज मौजूद है इस मसले को हमें समझाने के लिए। गोविंद शर्मा गंगा महासभा से, वहां के जनरल सेक्रेटरी, सीधे बनारस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीता नारायण निदेशक हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की। प्रोफेसर सी के वाजने कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। रशीद मसूद साहब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी से जुड़े हुए हैं। के जी सुरेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सुनीता नारायण, आज तमाम अखबारों में तमाम लेख छपे हैं, आपके भी कई लेख छपे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ सिमट कर अपना दायरा नदियों पर डालें, सीमित करें, तो क्या कारण है कि हम अपनी नदियों को नहीं बचा पा रहे? नदी, ये देखिए, समझना पड़ेगा कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आज हमारी नदियां इसलिए तबाह हो रही हैं क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उद्योग बढ़ता जा रहा है, पानी की जरूरतें हैं। हम पानी नदी से पानी लेते हैं और उसके अंदर खाली अपना निकास का पानी डालते हैं। और ये भी सोचना पड़ेगा कि कुछ सालों से यही सबसे बड़ा विवाद चला है कि नदियां कैसे साफ हों। सरकार, जब भी हम ये सवाल उठाते हैं, सरकार ये कहती है कि कार्यक्रम बनेगा, पैसा आएगा, मगर हम देखते हैं कि जितना पैसा आता है, जितना पैसा लगाया जाता है, उससे ज्यादा ही नदी प्रदूषित होती जा रही है। और इसका यही कारण है कि आज जो भी कार्यक्रम है नदी को साफ करने वाले, वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे शहर वही है जो लंदन के शहर हैं, और हमारी नदी वैसी है जो लंदन में है, थेम्स। ये नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रोफेसर वाजने मौजूद हैं।
कि अगर हम अगर बनारस की बात करें, लोगों की आस्था बहुत जुड़ी रहती है, बीजेपी की तरफ से वो गंगा को बचाना चाहती है, कांग्रेस का अपना गंगा एक्शन प्लान है, 900 से 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन क्यों हमारी गंगा या ये नदियां हैं, हमारी बड़ी नदियां हैं, इनको हम नहीं बचा पा रहे? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारी योजनाएं बनती हैं वो अपने एक संकीर्ण दृष्टिकोण से बनती है। सुरेश, आप कैसे देखेंगे इसे? क्या जो ये एक तरफ तो इच्छा शक्ति आती है वो, लेकिन दूसरी तरफ क्या अगर हम कानपुर की बात करें तो या वहां से जो आय मिलती है वो एक कारण है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गंगा अपने आप में भी एक वोट फैक्टर है एक छोटा सा, तो क्या उसको नजरअंदाज किया जाता है, क्या है इसे? देखिए, मैं काफी हद तक सुनीता जी के साथ सहमत हूँ कि हम थीम्स के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की समस्याएं अलग हैं। यहाँ आबादी की समस्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या है। हम उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं जहाँ हम वेस्टर्न नेशंस के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत अहम है कि हिंदुस्तान में जो भी प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं वो महज सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो एक आइसोलेटेड लेवल पर अपने अपने डिपार्टमेंट अपना काम करते हैं। एक इंटीग्रेटेड, वाशनी जी ने जैसे कहा, अप्रोच की कमी है। सबसे बड़ी कमी अगर है मैं समझता हूं तो ये सब एक पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता का इसमें जो है ना भागीदारी, उसकी सबसे बड़ी कमी है। जब तक आप जनता को इसमें भागीदार नहीं बनाएंगे, एक एक स्टेक होल्डर को इसमें भागीदार नहीं बनाएंगे, जब तक उस मोहल्ले की जनता को जागरूक कर ताकि वो इन पोल्यूटिंग यूनिट्स का घेराव करें और कहे कि नहीं बंद करिए। लेकिन मैं जब बनारस गई थी गंगा पर, जब मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र ने बताया था कि एक डीएम वहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि आप गंगा में स्नान कीजिए, साबुन मत लगाइए, जानवरों को मत मिलाइए, जाइए डुबकी लगाइए, आ जाइए। तो डीएम ने कुछ लोगों को वहां पर, इतने सारे घाटे, 80 से ज्यादा करीब घाटे, तो वहां पे लोगों को नियुक्त किया था जो घाटों पे आते थे, अमूमन आम आदमी। आप मानेंगे नहीं, डीएम दिन में एक बार चक्कर लगाते थे और उसके बाद से लोगों ने खुद एक बार ही उनको कहना पड़ा, साबुन लगाना बंद कर दिया, मवेशियों को नहलाना बंद कर दिया, फूल डालना बंद कर दिया। ये बहुत छोटा कचरा है, ये अगर औद्योगिक कचरे से हम उसको तुलना नहीं कर सकते, जो सीवेज का कचरा है उससे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आपने जनता की भागीदारी की बात की तो इसका मतलब ये कि जो लोग हैं वहां पर, जो प्रशासन में मौजूद है, तो हम ये माने कि उनमें भी इच्छा शक्ति नहीं, एक तो सरकार की इच्छा शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, बार बार कहना जरूरी है। लेकिन ये भी देखिए कि वहां जो लोग आ रहे हैं, गंगा में एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है बनारस जैसे शहरों में, ये सिर्फ वहां के जो रेगुलर जो सिटीजन है वो नहीं है, एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन का प्रोसेस नागरिक समाज द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहां होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वहां के लोकल रेजिडेंट्स को आप सिखाएंगे एक बार, इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट हैज टू बी, उसको एक लगातार एक अभियान के रूप में जो है इसमें लेने की जरूरत है। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड एक टाइम का वन टाइम एक्टिविज्म के रूप में इसको नहीं लिया जाता। जब नागरिक जागरूक होता है तो जिस तरीके से कई गांव में महिलाएं जो है शराब के ठेके बंद करवा रहे हैं, उसी तरीके से जो प्रदूषण के यूनिट्स हैं उनके खिलाफ भी जो है वहां की जनता उठ खड़ी होगी। बिल्कुल। अभी सुरेश, बीजेपी कहती है कि वो गंगा को अविरल चाहती है बहे, कांग्रेस ने पहले जो गंगा एक्शन प्लान था वो नहीं है, अब एक और प्लान आने वाला है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसके लिए 7000 करोड़ का बजट सामने आया है, तो ये सब सिर्फ दिखाते हैं कि ये नदियों को ध्यान रखते हैं। अगर हम गंगा का नाम बार बार ले रहे हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी एक नदी है, पवित्र हमारी नदी मानी जाती है, आस्था बहुत जुड़ी है, लेकिन नजरिया क्या है राजनीतिक दलों का, क्या गंभीर है? मैं तो समझता हूं कि पानी जो है आज पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। शायद भूपेन जी मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा के नाम पर क्या हो रहा है, ये भी हम वहां देख रहे हैं। तो कोई भी सरकार जो है, मैं पिछले सरकार की बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ इवन एक व्यक्ति ने अपना प्राणों को न्यौछावर कर दिया, मैं सवाल ये, आप देखेंगे तमिलनाडु में देखिए, आप केरल में देखिए, यहाँ तो आप गंगा और जमुना की बात कर रहे हैं, हर जगह नदी के नाम पर, पानी के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है। ऐसे में जब हम सुझाव देते हैं कि एक ऐसा एक संस्था होना चाहिए जो देश भर में करेंगे, इज इट पॉसिबल? क्या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जैसे सुझाव का नाम आ रहा है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जो है ये मुद्दे को पहल दिया गया था, लेकिन ये बताइए कि क्या उसमें डैम नहीं बनेंगे, क्या उसमें जो है बांधा नहीं जाएगा पानी? बात क्यों हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं बनाया सरकार ने, क्यों उस पर तवज्जो इतनी नहीं दी जाती? देखिए जी, देखिए पहली बात तो मैं ये कह दूं
कि हिंदुस्तान का कोई आदमी हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो थोड़ा सा भी उसके अंदर अवेयरनेस है तो वो चिंतित है, चाहे वो गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे और नदी हो, सबके लिए। और इसमें कभी कभी हो सकता है कोई पॉलिटिकल बात भी कही है, कुछ लोग छेड़ देते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज सबको चिंता है। क्योंकि चिंता सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें गंगा को बचाना है या नहीं बचाना है, इस देश को बचाना है, लोगों को बचाना है। सर, चिंता तो सबको है, कुछ ठोस अभियान करने का समय है, वो क्यों नहीं हो रहा नजर आ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि आप जितना ठोस करने चाहोगे उससे ज्यादा लोगों के अंदर, क्योंकि वो नहीं है, उससे ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अभी आपने कहा कुछ जगहों पर हमने पाबंदी लगाई और पानी जो इसे जो एफ्लुएंस उनके हैं आपके मुख्तलिफ मिल्स के, उसको बंद किया और उन्होंने क्या किया कि ड्रिल करके पानी को जमीन में पहुंचाया, और 6-7 साल के बाद उसका नतीजा ये निकला कि जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है जी, वो पॉल्यूटेड है जी, और उसके पीने से लोगों में बीमारियां हो रही है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि इसको आप बैठ करके एक आधे घंटे के चर्चा के अंदर इसकी सारे प्रोस एंड कॉन्स को हम देख सके। सिंपल बात यह है कि पॉलिटिकल एंड सोशल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अवेयरनेस है। अब सवाल सिर्फ पैदा करना है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों में। नंबर एक बात तो है कि जो ये आता है सीवरेज का पानी आता है, मल वगैरह आता है, दूसरा आता है, इससे कम से कम पानी पॉल्यूशन जरूर होता है उसके अंदर, मगर ये पहले भी आता था, उसका नुकसान जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, लेकिन जो इनका हमारे कारखानों का जो आ रहा है जी वेस्ट, उसने तो हमारे यहाँ जहर पैदा कर दिया है जी। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप भी, अभी आप जब गंगा ये जमुना ही के लीजिए, जब जमुना दिल्ली में दाखिल नहीं होती उससे पहले होती है तो गंदी होती है जी। लेकिन दिल्ली में आकर के वो गंदगी बजाहिर भी दिखाई देने लगती है, उसमें वो पड़े हुए हैं प्लास्टिक के, वो पड़े हुए हैं दूसरे गंदगी पड़ी हुई है। तो ये सब जब तक हम पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और हम सब लोग ये नहीं समझेंगे कि आने वाली, हमारे ख्याल में तो आने वाली थर्ड वर्ल्ड वार भी पानी पे होने वाली है। बिल्कुल, आज से ही जी अफसोस के साथ ये जोड़ना पड़ रहा है रशीद जी के बात के साथ कि देखिए, जब इस देश में एक पर्यावरण मंत्री सक्रिय हो जाता है और वो कुछ बड़े 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 फैसले ले लेता है तो उसकी छुट्टी की जाती है, उसको दूसरा मिनिस्ट्री में भेजा जाता है, क्योंकि इस देश के बहुत ताकतवर इंडस्ट्रियल और दूसरे लॉबीज काम कर रही है जो नहीं चाहती कि एनवायरमेंटलिज्म जो है उसमें जो जेन्युइन बातें की जा रही है, जो लोगों के हित की बातें की जा रही है, उसको अमलीजामा पहनाया जाए, और वो ओवरटाइम काम कर रही है इस काम को देखने के लिए कि इस तरह का कोई भी सक्रियता आए। तो इसीलिए आपने जो कहा कि निष्क्रिय क्यों है, हताश क्यों है कई डिपार्टमेंट्स, उसका वजह यही है कि ये लॉबीज इतनी ताकतवर हो गई है कि ये कोई काम करने ही नहीं देती है। कुछ कहना चाहेंगे रशीद मसूद साहब आप? मैं किसी हद तक इनकी बात से तफाक करता हूं कि एक लॉबी है जो अपने उसमें वो काम शुरू करती है, लेकिन इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं क्योंकि आप देखिए कि सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई शुरू, उन्हीं जो हमारे एक बेहतर काम मंत्री करना चाहते थे उन मंत्री को लेके सेंटर और स्टेट में कन्फ्लिक्ट शुरू हुई, और कन्फ्लिक्ट यहां तक हुई कि तमाम जो पॉल्यूशन का पूरा डिपार्टमेंट ही स्टैंड स्टिल हो गया। तो वो कुछ बहुत सारी बात सही है कि ऐसे प्रेशर ग्रुप्स है कि किसी पार्टी को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि देश देख रहा था किस तरह से वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे। सर, इस पर ही काम कर रहे थे जी, देश ये भी देख रहा था कि किस तरीके पे स्टेट और सेंटर का कन्फ्लिक्ट हो गया उसको लेकर के। सुरेश, संक्षेप में 20 सेकंड में क्या आपको लगता है ये जो हमारी संस्थाएं पर्यावरण को जिस तरह से सुनीता ने कहा उनको मजबूत करना ही सबसे बड़ी जरूरी है? बिल्कुल, और मैं तो समझता हूँ कि एक केंद्रीय पर्यावरण आयोग जिसको एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा एक सेंट्रल एनवायरमेंटल कमीशन बनाने की, गठित करने की जरूरत है, और साथ में एक व्यापक जन जागरण अभियान जो है उसको भी छेड़ने की जरूरत है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हमको इन संस्थानों को बहुत मजबूत करना है और इनके अंदर वो संकल्प लाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, उनको टेक्निकली मोर कॉम्पिटेंट बनाना है, और जिसकी कि आज बहुत कमी है और जिसकी वजह से वो कोई उदाहरण नहीं दे पाते जिससे कि जनता जुड़े और वो भी सफाई के काम में लगे। गोविंद शर्मा जी, आपके पास आखिरी 20 सेकंड। राजनीतिक दलों को नोट और वोट
की राइट बंद करनी चाहिए और गंगा पर अध्ययन की कमी नहीं है, गंगा पर सरकार के संस्थानों का अध्ययन है, नीरी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, IIT कंसोर्टियम की रिपोर्ट देखनी चाहिए, कैग की रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये सब लोग किस तरीके से गंगा को बचाने की बात कर रहे हैं, इसको सुन करके प्रधानमंत्री को तत्काल गंगा को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अंत में संक्षेप में रशीद बसू साहब, आप वाकई कुछ कहेंगे सरकार से कि बस ये चर्चा में आप आए, लेकिन कुछ कहेंगे क्या? देखिए, मैं बिल्कुल इससे तपा करता हूँ कि एक आयोग बनना चाहिए, लेकिन आपने देखा भी लोकपाल हुआ और उसके साथ लोग आयुक्त लगाया, तो इसी पे झगड़ा होगा कि लोग आयुक्त क्यों बनाएगा सेंटर, तो लोग अगर कोई आयोग पॉल्यूशन का बनाएगा तो स्टेट और वहाँ फॉरन कंफ्लिक्ट आ रहती है, फेडरल स्ट्रक्चर की दीवार देने लगते हैं। ये तो सारी पार्टियों को बैठकर एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि चलिए आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यही उम्मीद करते हैं कि अपने जो हमारी नदियां हैं, तमाम नदियां, उनको सहेजने के लिए गंभीरता से सभी राजनीतिक दल प्रयास करें और हम जो आम आदमी हैं वो भी अपनी नदियों को सहेजे, उनको प्रदूषित ना करें, चाहे आस्था जितनी भी हो। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही।